नमस्कार सभी को। आज दिन का नया शुरुआत है। आज अभी हम श्रीनगर में हैं। अभी यहाँ श्रीनगर से लेह के लिए निकलेंगे। लेह का शायद 10 घंटे के आसपास का सफ़र है, तो देखते हैं 10 घंटे पूरे लगातार कंटिन्यू कर पाते हैं कि यह रुकेंगे रास्ते में। तो जहाँ भी रुकेंगे वो आपको साथ साथ लेके चलेंगे, सारा दिखाएंगे व्यूज़ वगैरह। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जिस होटल में रुके हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अभी बस थोड़ा सा जैसे वेजिटेबल्स वगैरह पराठा वगैरह खा के निकलेंगे अभी यहाँ से लेह के लिए। बस अभी गाड़ी पूरी पैक कर दी है, बस 2 मिनट में यहाँ से निकल के आपको सीधा गाड़ी में मिलते हैं। ये हमारे भाई साहब, ये पूरा रेडी है इस टाइम, पूरा खाने में ध्यान आएगा। भाई साहब तैयारी पूरी? फुल तैयारी जी, फुल रेडी। बस क्या खाने में लपेटने में मज़े में ले रहे हो? ये जरूरी है सबसे पहले आप जो पता मिले, नाम ले, खुद बनाना, खुद खाना। सही बात है, होटल का आनंद लो, मज़ा लो। चलो निकलते हैं। बस अभी बस ब्रेकफास्ट करके रूम में आया, बाहू रेडी है जाने के लिए। बाहू चलें? रेडी है? चलें घूमने? चलेगा? चल 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 चल, चलेगा चलेगा, ले ले दख हैं, चलेगा चलेगा चलेगा। ओ भागा भागा भागा, चलो चलो चलो, चलेगा चलो, बस चलते चलो। अभी एक थोड़ा सा अच्छा सा व्यू आया था, व्यू पॉइंट, तो वहाँ पे रुके हैं। बाहू को थोड़ा तंग कर रहा था, बाहू को घुमा रहे हैं, पूरा पूरा मज़े ले रहा है बाहू, और पूरा किटिंग वाला पूरा बना पड़ा है। अभी पूरा व्यू का देख रहे हैं, पूरा व्यू जैसे कैसे नदी बह रही है, पूरा मज़ा आ रहा है। पूरा देखे व्यू को, पूरा शानदार व्यू है। अभी पूरी नदी बह रही है, साइडों में पूरे पहाड़, बीच में नदी, क्या नज़ारा है कुदरत का। बाहू भी पूरे नज़ारे ले रहा है। और हम अभी बस जो सोनमर्ग से जस्ट कोई 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आसपास ऐसा कुछ है, उससे पीछे हैं लगभग। हम सोनमर्ग में हैं अभी। ये सोनमर्ग की लोकेशन है जो आप अभी देख रहे हैं प्रॉपर। हम सोनमर्ग के थोड़ा सा जस्ट 4-5 ऐसा कुछ है प्रॉपर, 10 से नीचे किलोमीटर है वो, हम वहाँ पर खड़े हैं। पूरे पहाड़ आपको पूरे बर्फ़ से सामने से दिख रहे हैं, पूरा व्यू आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है। अब जस्ट सोनामार्ग से निकल के द्रास की तरफ बढ़ चले हैं। लोकेशन तो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको थोड़ा सा जो दिखा पाते हैं कैमरे में, पता नहीं वो चीज़ आती है कि नहीं। आँखों का सब जो नज़ारा आ रहा है ना, आँखों से जो लोकेशन देख पा रहे हैं, तो मतलब ऐसा है लोकेशन से, मतलब दिल खुश हो जाता है। आगे हमारा स्टेशन द्रास है, उसके बाद कारगिल शहर है, देखते हैं जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक जा रहे हैं। जहाँ स्टे करना होगा वहीं पे लास्ट आपको दिखाएंगे कहाँ स्टे कर पाते हैं। मैं सोचा तो लेह का था, लेकिन लेह बहुत दूर है। हम सुबह सोचा था 200-250 है, लेकिन ये श्रीनगर से 400 के आसपास निकला। तो अभी देखते हैं आगे कब तक पहुँचते हैं लेह, आज पहुँचते हैं या कल पहुँचते हैं। अभी बस थोड़े सा पीछे रुके थे, बाहू को घुमा लिया, अब आगे लंच पे आपको सीधा घुमाएंगे। बिटो ये भूख लगी है? भूख ली है, बट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया जो आपने सुबह सुबह लिया था। अच्छा, एक बार तो थोड़ा बहुत लेके ठीक है पेट, अभी सेट है।
अभी तो भूख दो तीन घंटे निकल जाएंगे अपने। अच्छा सही है क्योंकि सफर बहुत लंबा है, सफर अपने को जितना हो सके हाँ सफर करना चाहिए क्योंकि स्टे तो लेह में तो जा नहीं पाएंगे। हाँ। देखेंगे लास्ट पॉइंट कारगिल को क्रॉस करके फिर कहीं ना कहीं हम एक बार यहाँ पे जगह जगह के जो व्यू है ना, दो दो मिनट में रुकने का दिल करता है। अभी पीछे आप देख सकते हो कि पूरी बर्फ जमी पड़ी है, आगे पहाड़ देखोगे इतने ज़बरदस्त पहाड़ है कि दो अभी दो तीन मिनट पहले रुके थे फिर दोबारा रुकने का दिल कर गया। सारे पीछे पूरे पहाड़ देख सकते हो, पता नहीं कैमरे में आ रहे हैं कि कैसे क्या है, लेकिन आप देख सकते हो पूरे बर्फ से भरे भरे हैं, आगे तो अभी और बर्फ है, पूरा फुल जा रहा है कुदरत का। अभी रास्ते में एक और एक्टिविटी पॉइंट है, यहाँ पे रुके हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लोग करते हैं, जैसे अभी स्केटिंग वगैरह कुछ भी राइडिंग वगैरह जो हो रही है, हमने भी काफ़ी सारी थार में ऑफ रोडिंग तो कर ली, बर्फ़ पे चढ़ाई, चिकड़ पे चढ़ाई, पूरा 4x4 लगा के पूरा मज़ा गया। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा पूरे पीछे मेरे पूरा स्केटिंग हो रही है, राइडिंग हो रही है, बाइक राइडिंग हो गया, कुछ भी एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं सारी। अभी आपको पूरा शॉट दिखा रहे हैं, पूरा जैसे पूरा व्यू आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त व्यू है।
अभी जस्ट द्रास के बस पहुंच गए हैं। बस अभी पंप आया है बड़े देर टाइम बाद, तो पंप में सोचा है फ्यूल फुल करवा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना आए। वैसे तो है फ्यूल अच्छा, अभी तो मतलब 50-60 लीटर की टंकी है तो होगा 40 लीटर, लेकिन फिर भी करवा लेते हैं फुल, क्योंकि आगे पता नहीं पंप दूर है क्या है। अभी फुल पंप पे खड़े हैं। बाहो कहाँ घूम रहा है? वार मेमोरियल के सामने घूम रहा है, कारगिल। अभी जस्ट कारगिल वार मेमोरियल के सामने खड़े हो गए हैं, बस अभी जाएंगे अंदर, आपको दिखाते हैं कारगिल का जो वार मेमोरियल बना हुआ है आपको पूरा दिखाते हैं। हाँ जी राहुल जी, ये जो सामने पर्वत देख रहे हो आप, अच्छा इस पर्वत के पीछे से वो आए थे चाइना वाले। अच्छा वो उन्होंने वहाँ से हमला किया था ऊपर से। अच्छा हाँ ऊपर से हमला किया था तो हम नीचे थे। अच्छा हाँ तो वहाँ की हाइट है कम से कम 16,000 फीट। अच्छा तो वो छोटा सा कंकर भी मारते थे तो गोली की तरह लगता था। अच्छा तो इसीलिए उसमें हमारे अपने आर्मी के जो काफी जवान थे। हाँ। दो शेर बैठे हैं, एक ये बब्बर शेर, एक ये शेर आ गया, ले खा। तू दो खा, इसको एक देंगे। नहीं यार इसको भी दो बनती हैं, ऐसे कैसे दो, ले तू भी दो खा ले। एक तेरा, इसको भी दो भाई। एक इसका, दो इसका, दूसरा इसका, एक दो तीन इसका, तीसरा भी इसका, एक दो तीन चार इसका, इसका भी चार, हिसाब बराबर। चलो अब निकलो दोनों। देश का लहराता हुआ ध्वज। अभी हम तिरंगे के जस्ट फ्रंट में खड़े हैं, हमारा देश का ध्वज पीछे आप देख पा रहे होंगे लहरा रहा है, और पीछे ही शायद वो पहाड़ी हैं, इसकी कुछ है शायद हिस्ट्री है थोड़ा सा, वो हमारे भाई साहब आपको बताएंगे बिल्कुल इसका क्या सिस्टम था, आप बता रहे थे कुछ पहले मेरे को। राहुल जी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, हाँ। समय कम है अपने पास भी क्योंकि आगे सफर अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल ये पीछे जो दिख रही है पहाड़ी अपने टाइगर हिल है। अच्छा हाँ जी, जो पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था शायद 1999 में। अच्छा जो कारगिल की अपनी वॉर हुई थी। अच्छा तो इसके पीछे बिल्कुल 7 किलोमीटर पे पाकिस्तान है। अच्छा तो हम डाउन पे थे वो ऊपर रहे, ये कम से कम 2.5 महीने ये वॉर चली है। अच्छा इसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे उनकी। अच्छा हाँ जी, तो
फिर उसके बाद बगर जीत अपनी ही हुई थी वो तो होनी उसके बाद उनको वो टाउन पे चले गए अपने जवान ऊपर चले गए अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिल्कुल टाइगर के टॉप हिल पर जा कर के उनको शिकस्त दी और अपनी विजय प्राप्त की। चलो सलूट सैन सभी को जो यहाँ पे शहीद हुए हैं। अभी जस्ट ये म्यूज़ियम है अंदर, एक म्यूज़ियम से जाके अंदर जस्ट बाहर आया हूँ। अंदर थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है तो फोटोग्राफी हमने की नहीं, लेकिन मैं ये पक्का कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं तो वैसे मैंने देखा कुछ बाहर से जैसे देख के चले जाते हैं, अंदर शायद जाते नहीं, काफ़ी सारे मैंने देखा भी, तो अंदर एक बार पक्का जाएँ। अब अंदर आप जैसे जो जो हमारे शहीद हुए हैं कैसे कैसे उनकी स्टोरी लिखी है, ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि व्लॉग है तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ, अभी जो मैं अंदर से फील करके आया हूँ बाहर जस्ट वो चीज़ बोल रहा हूँ आपको मैं। एक बार अंदर पक्का जाना और अंदर एक स्टोरियाँ पकड़ना, किसी के कैसे पत्र लिखे हुए, किसी ने लेटर लिखे हुए हैं कैसे, उसमें लेटर में मैंने अभी जस्ट एक लेटर पढ़ा, उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि जैसे किसी ने फादर को लिखा कि मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, तो आशा उनके दिल की अब दर्द सब सकते हैं जब लेटर लिख रहे होंगे, सिर्फ उम्मीद से बैठे हैं वहाँ पर कि शायद हम आशा कर रहे हैं कि आप ठीक होंगे, और सिर्फ वो इस वहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम यहाँ पर ठीक रहें। तो आप एक बार अंदर जोर जाएँ, अंदर काफ़ी विचार ऐसी चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह के झंडा वगैरह भी है जो उन्होंने लड़ाई के टाइम हमारा जीता था, तो आप पक्का अंदर जाके एक बार उनकी फीलिंग्स वगैरह खुद फील करें कैसे उन्होंने हमारे लिए जंग लड़ी होगी, कैसे जीती होगी, क्या क्या उन्होंने किया होगा, तो ये अंदर पक्का विजिट करें। जस्ट हम रुके हैं, पीछे से राजस्थान से दो लोग आ रहे हैं पैदल चल के, एक बार वो आएंगे तो आप कहाँ से आए हो? राजस्थान। तो पैदल आए हो वहाँ से? हाँ। कहाँ जा रहे हो? ले तक जाओगे, आगे भी जाओगे? ले तक लास्ट है। ले घर से कितने किलोमीटर हो गया? हो गया होगा यहाँ से 1500। 1500 किलोमीटर पैदल चल के आए हो? ज़्यादा ही हो गया होगा। अरे यार कुछ 1500 किलोमीटर 49 दिन से पैदल चल रहे हैं भाई साहब। नहीं क्या क्या क्यों जा रहे हो? कुछ तो होगा मन में, क्या करने में, क्या घूमने के लिए? तो गाड़ी में क्यों नहीं है, बस में क्यों नहीं है? अब रुको, मानो रास्ते में बारिश हो रही है। ये भाई साहब दो लोग हैं राजस्थान से पैदल चल के आ रहे हैं और इनको 49 दिन हो गए लगभग पैदल चलते हुए। 1500 किलोमीटर पैदल चलना आसान बात नहीं। पता नहीं पूछा इनसे क्या क्यों जा रहे हो, पता नहीं बस छोरे छुट्टियाँ, पता नहीं कुछ मन में है कि क्या, कुछ तो होगा, लेकिन बहुत बढ़िया है। और जज्बा ऐसा जज्बा होना चाहिए कि पैदल चल के ले तक आना बहुत बड़ी बात है। हम गाड़ी में थक जा रहे हैं, गाड़ी इसमें आ रहे हैं, बढ़िया गाड़ी में आ रहे हैं, खाते पीते आ रहे हैं, ना कुछ बारिश है, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर और वो बंदे सिर्फ पैदल जा रहे हैं। ये चीज़ मतलब अद्भुत चीज़ है, ये कहीं कहीं देखने को मिल सकती है और यही इसी रूट पे देखने को मिलती है ज़्यादा ये चीज़। 1500 किलोमीटर बहुत रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये।
बस अभी कारगिल से आगे थोड़ा सा पहुँचे हैं, काफ़ी आगे वैसे पहुँच गए हैं। यहाँ से ले है भी कोई 180 किलोमीटर, काफ़ी दूर है। तो सोच रहे हैं कि आज यहाँ पे स्टे करें। ये कोई वाखा वाड़ू के नाम से ऐसे कोई जगह है, वाखा कारगिल। तो अभी यहाँ पे रुके हैं, अभी खाना वगैरह यहीं पे खाएंगे। वैसे तो कैंपिंग का पूरा प्लान था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, लोकेशन मिल नहीं पाई, तो सिर्फ आज कैंप लगाएंगे। लेकिन खाना वगैरह बाहर से खाएंगे, बनाएंगे नहीं आज, टेंट लगाएंगे जरूर लेकिन सोएंगे उसी में। तो अभी खाना खा के आपको खाना भी दिखाते हैं कैसा सिंपल खाना है, बढ़िया खाना है। अभी रुके हैं खाने के लिए, खाना खा के फिर उसके बाद आपको सीधा टेंट में मिलते हैं। अभी जस्ट खाना आ ही गया है, दिखा दिया आपको, बढ़िया खाना है, सिंपल बढ़िया, आलू की सब्ज़ी वगैरह, राजमा, दही, सारा बढ़िया। लेकिन ठंड बड़ी ज़बरदस्त है, तसल्ली होगी ठंड में। नहीं जा रहा, बढ़िया अभी बस एकदम सिंपल देसी खाना। रोटी बदली, दाल चावल। अब बस सेटिंग करेंगे कैंपिंग इनके साथ ही, इनसे थोड़ा सा लगवा लेंगे एक आसपास ही कहीं, क्योंकि सेटिंग का बनी नहीं कैंपिंग के, पहला दिन था ना। कल से बढ़िया बनाएंगे, कल से राहुल जी 5-6 बजे के स्टे कर लेंगे। 5 बजे रुक जाएंगे, 5 बजे रुक के लोकेशन वगैरह बढ़िया देख के फिर कैंपिंग करेंगे, ताकि देखने वालों को मज़ा और करने वालों को मज़ा। चलो फिर मिलते हैं आपको सुबह, आज का दिन तो ख़त्म हो गया। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल के व्लॉग में आपको सुबह मिलेंगे। उस सुबह आपको लेके चलेंगे सीधा ले, और सारा बताएंगे कैसे रात हमारी गुजरी है, क्योंकि हम लगाने वाले हैं टेंट अभी। ले से पहले भी एक मेमोरियल पॉइंट है, हाँ, अगर वहाँ जहाँ भी बैठेगी सेटिंग ले तक पहुँच जाएंगे, तो रात को टेंट वगैरह लगा के पूरा दिखाएंगे कि रात में ठंड कितनी थी। सुबह आपको उससे पूरा उसका रिव्यू करके बताएंगे, क्योंकि आज पहली बार टेंट लगाने लगे हैं। तो सुबह आपको कल के व्लॉग मिलते हैं। अगर आपने पूरा व्लॉग यहाँ पे देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। तो कल आपको फिर दोबारा मिलते हैं, और कल आपको ये पक्का प्रॉमिस है कि आज के व्लॉग में आपने जो देखा है उससे कई गुना ज़्यादा नज़ारे आपको दिखने वाले हैं। चलो कल मिलते हैं, तो कल के व्लॉग में आपको दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।